हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। तो देखिए, मैं आई हूँ अपने गार्डन में, यहाँ सामने प्लांट्स को देखने के लिए। तो मैंने एक वीडियो में बताया था झिंटी प्लांट के बारे में कि बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, पूरे प्लांट ही भर जाते हैं। तो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग किए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, पूरे प्लांट ही भर जाते हैं। मैंने कटिंग नहीं की थी, थोड़े से हाइट में ये लंबे हो गए हैं प्लांट मेरे, लेकिन देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पूरा प्लांट भर गया है फूलों से, वाइट वाले अच्छे लगते हैं। देखिए, और आजकल तो मैं 2 दिन में एक बार पानी दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी तो सूख नहीं रहे हैं, उतनी तेज़ धूप भी नहीं है, और यहाँ पे जो है छांव बनी रहती है हमेशा, थोड़े बहुत धूप आते हैं। चलिए आपको पर्पल वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए, पर्पल वाइट दोनों साथ में ही खिल रहे हैं, दोनों एक ही पॉट में लगे हुए हैं। प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक ही पॉट में 3-4 प्लांट लगा लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉट्स लगाऊँगी तो फिर जगह भी तो रहनी चाहिए छत पे। इतना ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे लिए। तो देखिए, ये देखिए एक प्लांट यहाँ पे लगे हैं, तो दोनों ही, जैसे आप 2 प्लांट लगाएं दोनों ही अच्छे से ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप देख ही पा रहे हो, दोनों ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, ग्रो भी अच्छे से हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए, वहाँ मेरा बंडू देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है, दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए बंडू मेरा डर से चढ़ा हुआ है। बंडू, बंडू कहाँ हो? ए बंडू, क्या कर रहे हो वहाँ पे? कुत्तों के डर से वो ऊपर चढ़ गया है, दौड़ाया है कुत्ते ने, डॉग ने दौड़ाया है उसको, वो ऊपर चढ़ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको झिंटी प्लांट दिखाती हूँ। तो इनमें ज़्यादा खाद और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे वेलडन सॉइल में लगाइए जब पॉट में लगाते हैं, और जैसे अपने प्लांट की केयर करते हैं हर 20-25 दिन पे खाद देते हैं, उसी तरह इन्हें भी देते रहिए। एक बार फ्लावरिंग कर लेते हैं तो फिर ये 2-3 महीने, 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। मेरे यहाँ तो यही हुए, शुरुआत में जब मार्च अप्रैल थे तो उस टाइम ये फ्लावरिंग किए थे, फिर उसके बाद बहुत तेज़ जब धूप पड़ने लगी तो फिर ये फ्लावरिंग करना बंद कर चुके थे। फिर बरसात आना स्टार्ट हुए तो हल्की हल्की इनमें बूंदे पड़ने लगी, तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करने लगे, बरसात में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगे ये, तो फिर अब जाके ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे सीड्स इसमें बन जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं, इनसे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं गार्डन। इन सबको लगाना चाहिए, ये जो प्लांट है इनको लगाना चाहिए, पूरा पॉट ही, मतलब प्लांट ही भर जाते हैं फूलों से। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।